और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे नेचुरल शैम्पू शेयर भी किए हैं, लेकिन आज की वीडियो डिफरेंट है। आज की वीडियो में जो नेचुरल शैम्पू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। क्या आपको पता है जो स्टोर बॉट शैम्पूस होते हैं, जो शैम्पू आप मार्केट से दुकान से खरीद के लाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और हर शैम्पू की बॉटल पे पीछे इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है, डिटेल इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है। तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने सारे केमिकल्स होते हैं इनमें। मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में उन सारे केमिकल इंग्रेडिएंट का लिस्ट भी दे दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने बालों में कितनी हार्मफुल चीज लगा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो केमिकल वाले शैम्पूस होते हैं, जो मार्केट से आप खरीद के लाते हैं शैम्पू, हर शैम्पू में केमिकल होता है, और वो जो शैम्पू होता है वो आपके बालों को डैमेज करता है, हेयर लॉस कॉज करता है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम उसकी वजह से हो जाती है, बहुत सारे लोगों को प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं इनमें, देखिए पैराबेन, सल्फेट, SLS और बहुत सारे सिलिकॉन्स भी होते हैं, जो आपके बालों के ऊपर बिल्डअप होता जाता है। अगर आप हमेशा इसी शैम्पू का यूज करते रहते हैं तो आपके बालों के ऊपर एक लेयर बिल्डअप हो जाती है सिलिकॉन की, वाटर प्रूफ लेयर बिल्डअप हो जाती है। देखिए शॉर्ट टाइम के लिए तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सिलिकॉन की लेयर विद टाइम बिल्डअप होती जाती है और वो हटती नहीं है आपके बालों से, जिसकी वजह से आपके बाल लाइफलेस हो जाते हैं। और यकीन करिए, जब से मैंने केमिकल वाले शैम्पू का यूज करना बंद किया है, मेरे बाल नहीं झड़ते हैं। मैक्सिमम जो हेयर लॉस होता है वो मेरा 50 होता है, वो भी बहुत ही कम होता है, कभी कभी 50 हो जाता है, वरना मेरा 10 कभी 20 ऐसे ही हेयर लॉस होता है। देखिए जो नेचुरल शैम्पू होता है ना, वो आपके बालों को सिर्फ क्लीन करने का ही काम नहीं करता, ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग को भी ट्रीट करता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपके बालों को रिपेयर भी करता है। और जो मार्केट से आप शैम्पू खरीद के लाते हैं, बेसिकली वो आपके बालों को क्लीन ही करता है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि एक बार आपने शैम्पू यूज किया तो समझ लीजिए कि आप अपने बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने बालों को खुराक दे रहे हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बहुत फायदे की वीडियो मैं शेयर करती हूं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए इस मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग नेचुरल शैम्पू को बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप 3-4 चम्मच के बराबर फ्लैक्सीड यानी अलसी का बीज ले लीजिए। देखिए जो फ्लैक्सीड होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके बालों का जो क्यूटिकल होता है उसके अंदर चली जाती हैं और आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है बालों को उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ही ग्रेट कंडीशनर होती हैं, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा चावल। देखिए चावल इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है कि पूछिए मत, और साथ ही साथ ये बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो स्टार्टिंग के दो इंग्रेडिएंट हैं, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। देखिए मेथी तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे मेथी हम लोग स्पेशली इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इस शैम्पू को बॉडी मिले। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है जटामांसी। देखिए जो जटामांसी होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर जो तीनों दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, उनको बैलेंस करने का काम करती है। तीनों दोष में से अगर एक दोष कोई ज़्यादा हो जाता है तो हेयर लॉस होने लगता है, और ये इन तीनों दोषों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करती है। जटामांसी के नाम में ही जटा है, और जटा मतलब होता है बाल, तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत एक्सीलेंट आयुर्वेदिक हर्ब है, तो इसका भी आपको इस्तेमाल करना है। इस शैम्पू को हम लोग बहुत ही इफेक्टिव प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जटामांसी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ब्रह्मी। ब्रह्मी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला। देखिए आंवला आपके बालों को काला बनाने में, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में, स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो आपको आंवला का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप आंवला का इस्तेमाल करते रहेंगे तो बाल काले भी हो जाएंगे
और अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम नहीं है तो होगी भी नहीं कभी, तो इसलिए आप आंवला का भी इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शिकाकाई। शिकाकाई एक माइल्ड शैम्पू की तरह काम करता है, ये आपके स्कैल्प को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करने का काम करता है और आपकी स्कैल्प के जो पोर्स है ना उनको क्लीन करता है, उनको अनक्लॉग करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं और उनको एनफ न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है और इस शैम्पू का जान है वो है हमारा रीठा। बिना रीठा के शैम्पू प्रिपेयर नहीं होगा, इफ़ेक्टिव शैम्पू प्रिपेयर नहीं होगा, तो इसलिए रीठा का ज़रूर इस्तेमाल करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सारी खड़ी यूज़ की हैं। जब चीज़ों को आप खड़ा यूज़ करते हैं तो आप श्योर होते हैं कि चीज़ें प्योर हैं, ठीक है। और रीठा सिर्फ आपके बालों को क्लीन करने का ही काम नहीं करता, ये हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है और आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड करता है और स्कैल्प में अगर डैंड्रफ वगैरह है तो उसको भी ख़त्म करता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट और ऐड होगा, लेकिन वो बाद में ऐड होगा और वो इंग्रेडिएंट भी इस शैम्पू के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब इस शैम्पू का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी स्किप नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, फ़िलहाल इसमें आप पानी डालिए, इसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ना है। तुरंत आप बॉयल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जब आप इसको रात भर भिगो देते हैं ना तो जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर इसेंस हैं बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल तरीके से आराम से रिलीज़ होकर इस पानी में आते हैं, एक्टिवेट होते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है आपको ज़्यादा। इसलिए आपको इसको पूरी रात भर के लिए भिगो देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको कॉन्सनट्रेटेड बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए गैस पे रख दीजिए और धीमी आंच पे इसको कुक होने दीजिए। जब आप इसको कुक होने देंगे आराम से ये पकेगा तो जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर इसेंस हैं बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अच्छा, इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया धीमी आंच पे। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसको हमें प्रिपेयर करना है और ये है एलोवेरा। देखिए जो एलोवेरा होता है ना, जब आप उसको कट कर लेते हैं तो उसको पानी में भिगो के कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो पानी में चले आएंगे और एलोवेरा जेल का आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मिलेगा 100%, ठीक है। अभी क्या करना है कि अच्छे से जो भी एलोवेरा के अंदर जेल है उसको आप स्कूप कर लीजिए, उसको आप निकाल लीजिए, इसको ग्राइंडर में डाल दीजिए और अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए, क्योंकि देखिए ग्राइंडर में ये अच्छे से ग्राइंड हो पाता है, अदरवाइज़ ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होता। और इसमें पानी वानी नहीं डालना आपको, ठीक है, सिर्फ एलोवेरा जेल डालिए और उसको अच्छे से ग्राइंड करिए। ये देखिए हमारा एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो गया। अच्छा, एलोवेरा जेल ना आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का इन्ग्रीडियंट है एलोवेरा जेल। अब क्या करना है आपको कि जो हमने गैस पे पकाया हुआ है इन सारे इंग्रेडिएंट को, ये अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी हाफ हो गई है ऑलमोस्ट। अब क्या करना है कि रीठा के अंदर जो भी सीड है उसको आप निकाल लीजिए और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, एकदम अच्छे से ग्राइंड करिएगा ताकि एकदम बारीक सा हमारा पेस्ट बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब जो मसलिन क्लॉथ होती है उसकी हेल्प से आपको इसको स्ट्रेन कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया तो अब एलोवेरा जेल इसमें डालिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए इस शैम्पू को मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग 3 इंग्रेडिएंट बनाते हैं, पहला फ्लैक्सीड, दूसरा हमारा चावल और तीसरा ये एलोवेरा जेल। और ये तीनों ही इंग्रेडिएंट आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत कमाल के होते हैं। अगर आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को इस शैम्पू में डाल के जिस तरीके से मैंने शैम्पू बनाया है प्रिपेयर करते हैं तो आपके बालों में कभी भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग आप में से बोल रहे थे कि आप लोग जब नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। इस तरीके से आप नेचुरल शैम्पू बना के लगाइए, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे, हाइड्रेट होंगे, बालों में कमाल की शाइन आएगी, हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा, बाल झड़ेंगे भी नहीं, ये सारी चीज़ें होंगी। बस आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहिए। तो ये जो शैम्पू है बहुत ही ग्रेट मॉइस्चराइज़र भी है, ये आपके बालों को क्लीन भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा, कंडीशन करने का भी काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों में अच्छा खासा ऑयल है, आपको ऑयल दिख भी रहा है। मैं इसी शैम्पू को अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लूँगी, पूरी स्कैल्प में लगा लूँगी। अच्छा, जब आप नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं ना तो ऑयल निकालने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसको अपने बालों में कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 3 घंटे के लिए मैं एटलीस्ट छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ऑयल मेरे बालों में से निकल जाए, चिपचिपापन ना रहे। और यकीन करिए जब आप इस नेचुरल शैम्पू को थोड़ा सा टाइम देते हैं तो ये आपके बालों से बहुत ही अच्छे से ऑयल निकाल देता है और आपके बाल जैसे
मार्केट वाला शैम्पू लगाने से क्लीन होते हैं उसी तरीके से क्लीन होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल, मेरे बालों में आपको शाइन भी दिख रही है, साथ ही साथ मेरे बाल आपको ड्राई और डैमेज टाइप के नहीं लग रहे हैं। तो इस शैम्पू का यूज़ करने से मेरे बालों का जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और हेयर लॉस भी काफ़ी कम हो गया है। जब से मैं नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ हेयर लॉस ना के बराबर होता है और बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर आपके बाल नेचुरल शैम्पू से ड्राई हो जाते हैं तो इस शैम्पू को जरूर ट्राई करिए, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर होंगे, मॉइस्चराइज होंगे, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा और आपके बाल क्लीन भी होंगे। इतने सारे फायदे मिलेंगे आपको इस शैम्पू से। इस शैम्पू के अंदर कोई केमिकल नहीं है वो तो आपने देख ही लिया, और इस शैम्पू को आप फ्रिज में स्टोर करके 20 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं और जब ये खत्म हो जाए तो नया बना लीजिए। ये शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, आप इसको इस्तेमाल करिए और जो भी आपका एक्सपीरियंस है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।